नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। आज मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना को एक बड़ी कामयाबी मिली। बरुराज थाना के मुरारपुर के आसपास पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे कई अपराधियों को दबोचा। लगातार मुजफ्फरपुर में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन में एक भय का माहौल भी बना हुआ है। जनता के बीच में भी भय का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर पुलिस लगातार सक्रिय है और अपराधियों को दबोच रही है। इस विषय में DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद ने अपना बयान भी दिया। कल बरुराज पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुरादपुर चौक के पास कुछ अपराधी कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। सूचना मिलते के साथ थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे पहुँचने के बाद चार अपराधियों को भागते हुए पकड़ा, जिनको पकड़ने के साथ तीन मोटरसाइकिल बरामद हुए और उनके पास से दो देसी कट्टा और एक पिस्टल लोडेड, उसके अलावा कुछ खोखा जो उनके जेब में था, सब बरामद किया गया है। क्या योजना थी इन लोगों का? इन लोगों के द्वारा योजना लूटपाट करने की ही थी, बट कहाँ करना था ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये है कि ये योजना में थे कि कहीं लूटपाट करेंगे और उस योजना को विफल करने में पुलिस सफल रही। पहले से सर कोई इतिहास रहा नहीं? अभी तक इतिहास खंगाला गया, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन अब पुलिस उस पर काम कर रही है। ये लड़के जो हैं ये बरुराज थाना क्षेत्र के ही थे। रिकवर में क्या क्या है? रिकवर में तीन मोटरसाइकिल है, दो देसी कट्टा है, पिस्टल है, पाँच कारतूस है और जिंदा कारतूस है और तीन खोखा है। खोखा का इस्तेमाल किया गया था क्या? अभी तक तो कोई ऐसा फायरिंग का न्यूज़ नहीं मिला, लेकिन ये काफ़ी संभावना है कि कहीं और किसी और क्षेत्र में इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। लोकल था या अंतर जिला गिरोह? नहीं, ये सब लोकल लड़के हैं और इनके गिरोह में अगर कोई और है तो उसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, ताकि आगे भी ऐसा कोई भी घटना होने से पहले उसे विफल कर दिया जाए। इन सब में कोई शातिर वगैरह? नहीं, अभी तक तो ये एक टीम की तरह काम करते हैं, चार लड़के मिले हैं और अगर कुछ और इनके अभी पूछताछ भी की जा रही है, कुछ और ऐसा पता चलेगा तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू सर।